অগ্নিপথকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বাতিল হল দূরপাল্লার ট্রেন। বাড়বে যাত্রীদের দুর্ভোগ আশঙ্কা রেল কর্তৃপক্ষের। পয়গম্বর বিক্ষোভের পরে নতুন করে সেনাবাহিনীর অগ্নিপথ নিয়ে বিক্ষোভ চলছে দেশ জুড়ে। রেলের যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে একাধিক যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করল এবার পূর্ব রেল, যার জেরে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে চলেছে নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলো বাতিল হওয়ায় দুর্ভোগ বাড়বে যাত্রীদের, এমনটাই মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকালে নতুন করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু হল। দ্রুত ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন আধিকারিকরা। গতকাল থেকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর বিস্তীর্ণ স্থানে বিক্ষোভের জেরে একাধিক ট্রেনের কামরায় বিক্ষোভকারীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ে পূর্ব রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পর ওই ট্রেনগুলো বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেলের হাওড়া স্টেশনের স্টেশন মাস্টার মোহিত কান্তি বিশ্বাস। তিনি জানান, 2273 হাওড়া দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস, 1237 হাওড়া হরিদ্বার এক্সপ্রেস, 1023 পাটনা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস আপাতত বাতিল করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষোভ চলছে। যারা এই বাতিল হওয়া ট্রেনগুলোতে টিকিট কেটেছেন তাদের টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হবে পূর্ব রেলের থেকে। পাশাপাশি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও লোকাল ট্রেন পরিষেবা এখনও কোন সমস্যাতে নেই, লোকাল ট্রেন পরিষেবায় আন্দোলনের কোন প্রভাব পড়েনি বলেই দাবি করেন তিনি। বিক্ষোভের পরিস্থিতির ওপর আরও বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে রেল সূত্রে। अग्निपथ वीर की जो घोषणा की गई है 4 साल के लिए, एज 17 से 23 साल किया गया है, यह काबिले तारीफ है। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वह गलत है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है और रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपया नगद मिल रहा है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे जवानों को देश के लिए जो है सही तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें पुलिस में नौकरी मिलेगी, उन्हें बैंकों में नौकरी मिलेगी। तो इसमें तो विरोध करने का कोई कारण नहीं है। और मैं केंद्र सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, जो दंगाई छात्र आज 3 दिन से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेलवे के बोगियों को जला रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी फैसिलिटी मिलती है लाइफ टाइम तक के लिए बंद कर देना चाहिए। यही मेरा विचार है। देश जुग जुग से गुलाम था और गुलामी का सोच आज भी है। ये जो राजनीति पार्टियां हैं, कुछ गिने चुने, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आज के नौजवानों को बहका के फुसला के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन ये आज का जवान नौजवान बुद्धिमान होते हुए कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गया ये लोग का, यही बात को हमको बहुत तकलीफ है। क्योंकि हम एक फिल्म प्रोड्यूसर है, भोजपुरी फिल्म के निर्माता निर्देशक है, मेरा नाम काशीनाथ जायसवाल है। हम एक कला से, एक आर्ट से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने नौजवान हैं, जितने जवान बच्चे लोग हैं, सबके दिमाग में आर्ट और कला होना चाहिए। कौन क्या बोला, कौन नहीं बोला, सबका सुने, विचार करें अपने दिमाग से। ये लोग क्यों भाग जाते हैं? हमारे देश का जो हीरा मिला हुआ है माननीय मोदी जी, और डबल हीरा डबल सोना माननीय योगी जी, ऐसा हमारे धरती पे पहले कभी आया नहीं था, शायद दोबारा फिर ना आए। इस मौका को हमें कहना है, इस मौका को हमारे देश का नौजवान गंवाए नहीं, इसका फायदा उठाए। नमस्कार। আপনারা দেখছেন হিন্দ এক্সপ্রেস, আসুন দেখি সুরখিয়া।